नरकटियागंज प्रखंड के भेदहिरवा पंचायत के हिंगलहर गांव में कृषि विभाग द्वारा रबी किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आत्मा के सहायक प्रखंड तकनीकी प्रबंधक हेमचंद्र आर्या ने की। इस मौके पर कृषि समन्वयक आदित्य प्रकाश शुक्ला, सैलुकेश कुमार, सोनू कुमार तिवारी, सुभाष मिश्रा, किसान प्रमर्शी बिमलेश दुबे ने किसानों को उन्नत खेती के बारे में विस्तृत रूप जानकारी दी। उन्होंने किसानों से केमिकल्स फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने की बात कही। आगे कहा कि केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने से खेत की मिट्टी खराब हो जाती है, खेत बंजर हो जाता है, पराली जलाना सख्त मना है क्योंकि कीटाणु मर जाते हैं जिससे फसल सही ढंग से नहीं हो पाते हैं। अगर कोई भी किसान खेतों में पराली जलाने से नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही की जाएगी और जो भी कृषि संबंधित लाभ मिलता है उससे वंचित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक भी किया। रबी किसान चौपाल का आयोजन किया गया, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी योजनाओं से रूबरू कराना सरकार की महत्वपूर्ण कार्य है। उसके लिए सरकार के द्वारा जो भी प्राधिकृत पदाधिकारी हैं वो पंचायत स्तर पर जनसंवाद के माध्यम से लोगों के बीच जा करके और योजनाओं के बारे में बताते हैं और आज के डेट में फसल प्रबंधन के बारे में, फसल जो पराली जो किसानों के द्वारा जलाया जा रहा है उस पर मुख्य फोकस किया जा रहा है कि किसान अपने खेतों में पराली को नहीं जलावें, पीएम किसान का सत्यापन करा लें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल ऋण योजना के अंतर्गत केसीसी कराएं अथवा प्रखंड स्तर पर बीज जो आया हुआ है उसका उठाव करें। पराली जलाने वाले व्यक्ति को क्या कार्रवाई होगी? देखिए, सरकार के द्वारा जो भी उसका मापदंड है वैसे किसान रजिस्ट्रेशन ब्लॉक कर दिया जाएगा। आने वाले विगत तीन वर्षों के लिए उनको किसी प्रकार का अनुदान दे नहीं होगा, ऐसा सरकार का इंस्ट्रक्शन है। उस आदेश के आलोक में हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आपका परिचय? बिमलेश द्विवेदी, किसान सलाहकार। सबकी जो हमारी भी बोलती बंद हो जाएगी और बड़े बड़े राजनेताओं और बड़े बड़े उद्योगपतियों की बोलती बंद हो जाएगी जब किसान पैदावार करना छोड़ देगा। तो किसानों के प्रति सरकार ये थोड़ा लिबरल हुई और सम्मान निधि योजना जैसी योजना बना करके, और कभी योजनाओं के बारे में किसी को पता नहीं चलता था, आज तो एक पंचायत में हजार लोग पीएम किसान का लाभ ले रहे हैं 4 महीने के अंतराल। उसमें पहला ये चीज़ है कि सम्मान निधि योजना के जो भी बेनिफिशियरी यहाँ उपस्थित है अथवा जाने के उपरांत, वैसे लोगों को आप लोग सूचना दीजिएगा कि संबंधित पंचायत के कृषि सलाहकार और कृषि समन्वयक से सत्यापन करा। जैसे कोई आपके घर परिवार आजू बाजू में कोई सरकारी सेवा में होगा तो लाइफ सर्टिफिकेट बैंक एक बार साल में एक बार मांगती है कि भाई आप जीवित हैं कि आप नहीं हैं, कोई भी रीजन हो एक लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। वैसी परिस्थिति में ठीक 1-1.5 साल के अंतराल पर इसका सत्यापन सदैव उपस्थित होकर के इन दोनों के समक्ष किसान रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रिशन स्लिप, मालगुजारी रसीद ला करके और सत्यापन करवा लें। अगर सत्यापन आपके द्वारा नहीं कराया जाता है तो सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि बंद होने की कोशिश है। इसलिए आप लोग पहला काम वेरिफिकेशन करवा लें। बहुत सारे लोगों का वंशानुगत पैसा मिलता है, जैसे मान लेते हैं मेरे दादाजी के नाम से रसीद कटता है, हम पीएम किसान के लाभार्थी हैं तो दादाजी से मेरा क्या संबंध है, क्योंकि दादाजी तो स्वर्ग में गए, अब तो वहाँ से आकर के जमीन जोतते नहीं है, जमीन तो हम जोत रहे हैं, मेरे दखल कब्जे में है। तो उस परिस्थिति में वंशावली लगाते, पारिवारिक छुट्टी और किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा निर्गत किया गया नहीं, ये अंचल ऑथराइज है, अंचल के द्वारा आप लगा दीजिए, आपके दादाजी का